नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी लॉग यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। अभी भी जो चूरू विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रफीक जी मंडेलिया, वो एक सभा को संबोधित करने जा रहा है अपनी नामांकन रैली जो चूरू में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो आप अपने पब्लिक के विचार में आगे रखते हैं। एक मिनट बड़ी शांति से बात करेंगे। मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, माफी चाहूंगा कि एक का नाम लूंगा तो दूसरे मेरे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए सम्मानित मन से मैं स्टार्ट करूंगा। और मेरे सामने बैठे हुए मुझे दुआ देने वाले मेरे बुजुर्गों और मुझसे प्यार करने वाले हुआ साथियों, और जहां तक आवाज जा रही है मेरी माता और मेरी बहनों, सबसे पहले एक बात कहूंगा हमारे युवा साथियों को कि हम यहाँ से रैली लेके निकलेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से चलेंगे, ताकि एहसास होना चाहिए लोगों को, हमारे बाजार के लोगों को, कि इनके अंदर कांग्रेस के युवा और कांग्रेस के पार्टी के नेता में बड़ी सभ्यता है और सभ्यता के साथ हम चलेंगे। और सिवाय हमारे कांग्रेस के अलावा कोई नारा नहीं लगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता नारे लगेंगे और ना कोई समाज लगेगा ना कोई और लगेगा। आज हमने नामांकन रैली रखी है और ये जन सैलाब चूरू विधानसभा के जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो मुझसे प्यार करने वाले हमारे और कोई भी भाई यहाँ पहुंचा है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। अब हम यहाँ से रैली के साथ बाजार के अंदर से निकलेंगे। कोई भी आदमी इधर उधर मत जाना, रैली का काम पूरा करना है, उसके बाद में अपनी अपनी जगह जाएंगे। और हम पिछला चुनाव बहुत थोड़े कम वोटों से, लेकिन इस बार हर युवा ने, हर हमारे बुजुर्गों ने, हर मेरी माता और बहनों ने अभी अभी मैं जो पहन लिया है विधानसभा क्षेत्र से जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें चूरू के विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया वो एक अपने पब्लिक के सामने वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। रफीक जी मंडेलिया, उन्होंने कहा कि आप लोगों से पार नहीं पड़ी, इस चुनाव में हम भी आपके साथ मिलकर रफीक मंडेलिया के लिए वोट मांगेंगे। जब हमारी माता और बहनें जब घर घर निकल जाएगी तो रैली में बहुत पब्लिक चाहती है। और अब हमारे चूरू की बात करेंगे, चूरू के अंदर विकास की बहुत कमी है। और हाजी साहब जब 5 साल एमएलए रहे 2008 से 2013 के अंदर, हमने बहुत विकास के काम किए। जो हाजी साहब के सपने हैं, जो अधूरे काम बाकी रह गए, वो सपना उनका सपूतर रफीक मंडेलिया करके रहेगा और उसी के लिए ही चुनाव लड़ना। आज मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है कि चूरू विधानसभा में विकास हो और अजीत साहब के काम बचे हो, कि उनका सपना पूरा हो। अब एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप सबको रफीक मंडेलिया बनके हर घर वोट मांगना पड़ेगा। रफीक मंडेलिया को आपने विधानसभा भेज दिया तो 5 साल की गारंटी रफीक मंडेलिया की है। आप सब अब रैली के साथ रवाना हो। अभी यहाँ से रैली जाएगी नामांकन भरने के लिए, रफीक जी मंडेलिया की रैली जाएगी और चूरू में रफीक जी मंडेलिया की एक रैली थी, नामांकन रैली थी। एक बार शानदार नारा लगा दो सभी। रफीक जी मंडेलिया की जो नामांकन रैली है चूरू के अंदर, जो काफी भीड़ दिख रही है रफीक जी मंडेलिया की। चूरू से भी ठाकर गए हो और तारागढ़ से भी ठाकर गए हो। रफीक जी मंडेलिया की जो नामांकन रैली चूरू से, वो बड़ी धूमधाम से रैली आज नामांकन रैली अपने जो यहाँ कांग्रेस चूरू विधानसभा क्षेत्र से ये रफीक जी मंडेलिया की रैली। Hey!
से देख तुम रे शुरू विधानसभा तो दोस्तों शुरू विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार रफीक जी मंडेलिया की जो रैली थी उस रैली में काफी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का जो वोटर है वो इस रैली में मौजूदगी में देखने के लिए मिले। चौधरी नमस्कार जी, क्या बताना चाहते हो आप कांग्रेस के लिए, क्या करना चाहते हो? कांग्रेस के लिए विजय, कांग्रेस का प्रत्याशी विजय हो जाएगा अभी ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा। ये जो रफीक जी मंडेलिया की जो नामांकन रैली थी, रैली में बहुत काफी संख्या में पब्लिक है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जो रफीक जी मंडेलिया के रैली है उस रैली में बहुत काफी संख्या में लोग मौजूदगी में आए। मैं खान साहब जी से बात करता हूँ। खान साहब जी नमस्कार जी, नमस्कार। ये रैली है वो आज रैली आपको कैसी लग रही है, क्या कांग्रेस जीत पाएगी? ये अपने चूरू की ऐतिहासिक रैली है, इसकी तादाद को गिनना मुश्किल है। जिस तरह आदमी बारिश के कतरों को नहीं गिन सकता और रेत के जर्रों को नहीं गिन सकता, इसी तरह इंसानों की तादाद को भी नहीं गिन सकता, बेशुमार है। आप क्या करना चाहते हो रफीक जी के विषय में? हम कांग्रेस के साथ है, हम कांग्रेस के जिन दिल से जान से साथ है, और हम ऐसी रैली कहीं नहीं देखी है, बहुत बढ़िया रैली देखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कैसे है रैली? हाँ जी, यहाँ की रैली सबसे डेंजर खतरनाक निकल रही है, और मकबूल मंडेलिया 15,000 से जीतेगा वोट, रफीक जी जीत पाएगा। हाँ जी, 15,000 से निकाल के ले जाएंगे इसको। आपने पहले बीजेपी की भी रैली देखी थी? हाँ देखी थी। कितना परिवर्तन हो रहा है? बिग मायने इससे भी ज्यादा ठीक है। आप भाई साहब? हाँ जी सर, बोलिए। चुनावी समीकरण बताइए, क्या हाल है चूरू का? चुनावी समीकरण ये है कि 20,000 प्लस वोटों से लीड मार रहे हैं हाजी मकबूल मंडेलिया के लड़के रफीक मंडेलिया जी, और अच्छा समीकरण है। और आज तादाद के हिसाब से आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ जो राठौड़ साहब थे उसको क्यों छोड़ दिया? राठौड़ साहब विकास की गंगा यहाँ नहीं बही है, वो तारानगर बहाने के लिए गए हैं, देखते हैं वहाँ कितनी गंगा बहाते हैं। पहले तो बहा के आ चुके हैं, अब और देखते हैं कितनी बहाते हैं वहाँ पे। चूरू तो एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वो गढ़ माना जाता था, उसका पर्सनली वोट था, वो व्यक्तिगत वोट है उनका। और आगे और भी भाई साहब चलेंगे आगे, काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वहाँ। यहाँ इसी जगह पर रैली थी जो रफीक जी मंडेलिया की, जो यहाँ इसी जगह पर है, जो आज नामांकन रैली का एक प्रोग्राम था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस से रफीक जी मंडेलिया है वो एक कांग्रेस के प्रत्याशी है और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी चूरू क्षेत्र में ये अनुमान लगता है कि कांग्रेस। भाई साहब नमस्कार जी, नमस्कार। क्या चूरू क्षेत्र से कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ जीत पाएगी, फुल बहुमत से जीतेगी। और सर जो राजेंद्र सिंह राठौड़ कई साल से 5 या 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो इतना नफरत बीजेपी से ये चूरू की पब्लिक कैसे होगी? वो ऐसे हो रही है कि वो कोई बीजेपी कोई काम नहीं करा रही, इसके लिए हो रहा। वो चूरू के लिए काम नहीं कराया बीजेपी? बीजेपी ने कुछ नहीं काम नहीं कराया। अभी रफीक मंडेलिया ने अच्छा काम किया था पहले पीछे भी, राम ने। चूरू की पब्लिक है वो जो अब राजस्थान में सरकार कांग्रेस ही चाहती है कि बीजेपी की? कांग्रेस। सीएम का चेहरा गहलोत साहब का या अन्य और कोई? गहलोत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इसी नामांकन रैली में काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता है एक उत्सव के साथ यहाँ पर रैली में संबोधित करके यहाँ अभी नामांकन दाखिल कराने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये गांव के जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हैं उनसे वातावरण करेंगे। ताऊ जी राम राम है। राम राम। किस गांव आया हो? रतन सिरा हूँ। रतन सिरा। हाँ। किन वोट देश हो? वोट कांग्रेस देशा। कांग्रेस देश। हाँ। तो बीजेपी ने कौन देता? ना, ना, ना तो कांग्रेस यार सदाई कांग्रेस यार।
हाँ कांग्रेस जीत पाएगी, जीत पाएगी पक्की। छह सीट जीत सी जिले में, तो जिले में छह सीट जीत, हाँ कांग्रेस छह जीत सीट है, तो टक्कर टक्कर क्या जीत सी एकतरफी जीत, हाँ पूरी एकतरफी जीत है शुरू में। कौन सा गांव है? रतन सरो। रतन सरे के आप ही रतन सरे हो क्या? सर निरासर में विधानसभा क्षेत्र चूरू लगता है क्या? चूरू। कांग्रेस जीत पाएगी? जीतेगी। बीजेपी से नफरत कैसे? बीजेपी काम ही खुद कर क्या जीतेगी? माताएं हाथ में तिरंगा लेकर माताएं भी खुश है क्योंकि कांग्रेस है खुश। कैसे चला कांग्रेस का जो शासन पांच साल के अंदर गहलोत साहब का? बोलो सही है। हाँ गहलोत जी सही है। गहलोत जी सही है। कौन दे दिया? गहलोत जी सही है। हाँ सही है। शुरू में रफीक जी मंडेलिया, हाँ रफीक जीत पाएगा, जीतेगा। बहन जी आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल रफीक मंडेलिया जी जीतेंगे, 100% जीत होगी इनकी। बहुत बहुत आगे भी इंतजार कर रहे होंगे हमारे वीटी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉलो करना है क्योंकि आज मैं चूरू विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी समीकरण है वो दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रफीक जी मंडेलिया है वो अपना नामांकन पर्चे दाखिल करने यहाँ गए थे और पहले यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया था। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग जैसे नरेंद्र जी बुडानिया, सरदार शहर के जैसे नेता लोग, सुजानगढ़ के नेता लोग, काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूदगी में थे। युवाओं से बात करें, भाई साहब है कैसे हो? कांग्रेस जीत पाएगी? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीत पाएगी। बाहर आतिशबाजी पटाखों के साथ, पटाखों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नामांकन दाखिल कराने पर्चा भरने जा रहे हैं। रफीक जी मंडेलिया है वो काफी संख्या में, काफी संख्या में चूरू की जो पब्लिक है वो कह रही है कि जैसे कांग्रेस है वो जीत पाएगी चूरू में। कांग्रेस के बहुत काफी कार्यकर्ता है। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। राम राम, राम, राम। क्या हाल है? चूरू मंडेलिया जीतेगा चूरू से? चूरू जीत पाएगा? हाँ पक्का जीतेगा। धन्यवाद है भाई साहब। कांग्रेस के बहुत बढ़िया माहौल है ये चूरू, कांग्रेस के 70,000 से जीतेगा, 70,000 70,000 से जीत पाएगा। खत्म करेंगे आपके बार, 35,000 आज खत्म करेंगे। योजना से सब संतुष्ट है और सब ये कांग्रेस के सिपाही है। सीएम गहलोत जी को देखना चाहते हैं? सीएम गहलोत साहब को देखना चाहते हैं। सब हुई भीड़ है, कोई पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। बहुत ही चूरू में जो विधानसभा नामांकन की रैली, रफीक जी मंडेलिया की रैली दिखाने जा रहे हैं हमें चूरू में, रफीक जी मंडेलिया की रैली चूरू से जो नामांकन पर्चे दाखिल करने जा रहे हैं उसके साथ पब्लिक जा रही है। देखिए बहुत काफी संख्या में पब्लिक, ये जो युवा है, युवा बताइए कितना कांग्रेस के लिए क्या इतना महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ मैं 40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ और मंत्री ने 35 साल में कुछ नहीं किया है, लोगों को परेशान किया है और हर आदमी कांग्रेस को वोट देने को तैयार है और बहुत भारी मतों से हमारे रफीक मंडेलिया जी विजयी होंगे। कोई एडा नहीं है कितने वोटों से। मैं पूर्व का पार्षद पिता अभी बिसाइती और उपाध्यक्ष नगर। कांग्रेस पार्टी है वो विकास से वोट मांगती है या जातिवाद पे मांगती है? विकास के लिए, विकास विकास के लिए। रफीक मंडेलिया विकास है चूरू का, चूरू का रफीक जी मंडेलिया विकास का बता रहे हैं। मंत्री साहब ने आज ऐसा कोपन दोपन नहीं लिया, लेकिन मंत्री साहब ने आज 35 साल में आज भी लोग पानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो शेयर कर लोग यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है क्योंकि हम और भी ऐसा वीडियो है वो ले सके। काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें एक उत्सव की लहर, एक चूरू में जीत की लहर बता रही है। ये रफीक जी अपना नामांकन दाखिल पर्चे भराने के लिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई साहब जी नमस्कार है, क्या हाल है? नमस्कार, क्या देख रहे हो? गुलत देख रहे हैं रैली। कांग्रेस ही जीत हो जाएगी? कांग्रेस की रैली के अंदर तिरंगा खिलेगा? हाँ हाँ इंशाल्लाह चूरू का तिरंगा खिलेगा। 20,000 वोटों से 20,000 दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि हम ला सके और भी आगे का ऐसा समीकरण का वीडियो जो चूरू से हम दिखा रहे हैं आपको यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से वीटी ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार,
रैली में आज क्या माहौल दिख रहा है? इतना माहौल गर्म माहौल है एकदम से। कांग्रेस क्या चूरू का माहौल गर्मा रहा है? गर्मा रहा है चूरू का माहौल। क्या चूरू की पब्लिक बीजेपी को नहीं चाहती? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चूरू की जनता सिर्फ विकास को चाहती है, ना कि कोई बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ विकास को। कांग्रेस विकास करती है। रफीक मंडेलिया जिंदाबाद। चूरू की पब्लिक को विकास चाहिए और रफीक जी की जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे थोड़ा हम संपर्क करते हैं। कांग्रेस की जो ये नामांकन रैली हुई थी, इसका क्या समीकरण लिख रहा है भाई साहब? आपको नमस्कार जी। इंशाल्लाह हमारे यहाँ रफीक मंडेलिया साहब का समीकरण अच्छा लग रहा है और रफीक भाई इस बार 30 प्लस चुनाव जीतेंगे। और रफीक भाई ने कोरोना काल में बहुत सा काम किया है और इनके साथ पूरी चूरू की जनता और देहात है। अब की बार चूरू में मतलब कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ पक्का पक्का, 101% कांग्रेस। चूरू की पब्लिक जो जयपुर से जो सीएम का चेहरा कौन सा देखना चाहती है? जो सचिन पायलट अच्छे लगे? अच्छे। हाँ उसकी जो योजना थी, योजना से संतुष्ट है? हाँ मुख्यमंत्री साहब ने फ्लैग से भी योजना बहुत चीज काफी चूरू की पब्लिक बता। अब की बार कांग्रेस ने जिता देगा, पहले वोट पड़ेगा ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, बोल रहे पहले वोट पड़ेगा मेरे। हेलो मंडल जी, पहले वोट मेरे पड़ेगा द्वारका भी। हेलो हो गया पीते रहो। कांग्रेस जिताएगी राजस्थान में? कांग्रेस सरकार आएगी? हेलो सर, हेलो बिदा सर से आया हूँ मैं, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चूरू जिले की। छह की छह जीते, कांग्रेस सीटें जीतेगी। रफीक मंडेलिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो भाई साहब है वो चूरू से है, वो सुधानगढ़ से है, बिदा सर से आए हैं। वो बता रहे हैं कि सातू तहसील है वो चूरू जिले के अंदर, वो तहसील पूरी की पूरी निकल जाएगी, कांग्रेस की सीटें आएगी एकदम फुल। जी हाँ बिदा सर से जो है ना, खास कर रफीक जी मंडेलिया साहब की रैली के हम लोग बता रहे हैं, कम से कम बिदा सर से निकालेंगे जिताएंगे। गाड़ियां आई है, 100% जिताएंगे रफीक मंडेलिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। जब सफेद कुर्ते पजामे में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई नेता लोग है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या समीकरण निकला आज जो रैली है उसमें कांग्रेस जीत पाएगी? जी रफीक जी मंडेलिया बहुमत से जीतेंगे, रफीक जी जीत जाएगा पक्का, जीतेगा भारी बहुमत से जीतेगा रफीक जी। चूरू से हो या कोई बाहर से आए? मैं बाहर से आया हूँ समर्थन करने के लिए। और ये जन सैलाब आप देख रहे हो ना, इससे आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि भारी बहुमत से रफीक जी मंडेलिया जी भारी मतों से जिता रहे हैं जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के। तो भारी रफीक भाई जी जीते यहाँ से 50,000 वोट से, कोई टेंशन नहीं है, कोई सामने आ जाओ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ जीते रफीक भाई जी 50,000 वोट से। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक भाई जी। रफीक भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब जी। क्या कहना चाहते हो? आज रफीक मंडेलिया जी का नामांकन है और पिछले विधानसभा में 1850 वोटों से कुछ वोट रह गए थे। लगभग सभी वर्करों में कार्यकर्ताओं में जोश है, इस बार वो 20,000 प्लस वोटों से विजय होंगे। धन्यवाद। वीटी ब्लॉग इस यूट्यूब चैनल फेसबुक को आपको दिखाती है गांव गांव की, कस्बे कस्बे की, ढाणी ढाणी की रिपोर्टिंग। जैसे आज चूरू में नामांकन पत्र दाखिल करने रफीक जी मंडेलिया है, वो अपना नामांकन दाखिल किया था, वो एक सभा को संबोधित किया था इस चूरू के अंदर बहुत काफी संख्या में। सर चूरू से रफीक जी जीतेंगे और भारी मात्रा से जीतेंगे, क्योंकि युवा सारे इनके साथ में है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। युवा बता रहे हैं चूरू से रफीक जी जीतेंगे, काफी चूरू के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो चूरू के कार्यकर्ता है वो खान साहब जी है हमारे सामने जुड़ चुके हैं। खान साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? रमजान खान। आज जो मंडेलिया साहब की इतनी बड़ी नामांकन रैली हुई, तो इस रैली में आपको क्या समीकरण दिख रहा है? बहुत जबरदस्त दिख रहा है साहब, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये पीछे ये वोटों से काफी बार बीजेपी में रहे, अभी कांग्रेस में आए हैं, अभी कांग्रेस में आए। मंडेलिया साहब जीत पाएगा? हाँ जीत पाएगा, आराम से जीत पाएगा। अच्छा वोटों से बोलो, 50,000 से बोलो, 50,000 से गुडानियों और आपसे निवेदन करता हूँ, राजस्थान सरकार गहलोत की चाहते हो आप? गहलोत की तो गहलोत ही बोलो, गहलोत ही बोलो, हर चीज के माने गहलोत, हर चीज के माने सहयोग करो, धान तक भुगे सब कुछ भुगे, हॉस्पिटल तक भरी करवा दी। और गहलोत नहीं चाहो, मैं तो कुल्याम गहलोत ने वोट दिया, कांग्रेस ने वोट दिया। राजस्थान की पब्लिक है वो बोल रही है रफीक मंडेलिया जीतेगा 50,000 वोट से, इसकी जबत है।
बहुत धन्यवाद है। वीडियो लंबा चलेगा क्योंकि जो चूरू की पब्लिक है वो गाजे बाजे के साथ है, वो एक मंडेलिया जी की जीत बता रहे हैं। काफ़ी समय हो गया, अभी नामांकन पर्चे है वो दाखिल कराने वो जा चुके हैं, वो रफीक जी मंडेलिया, वो काफ़ी रोड पे जो भीड़ के एक उत्सव दिख रहा है। भाजी नमस्कार, कहाँ से आए? मैं मकबूल मंडेलिया की रैली में सुजानगढ़ से 20 गाड़ी आई है। कैसी लगी आपको रैली? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मकबूल जी जीत पाएगा? हाँ, मकबूल जी जीत पाएगा। रफीक जी जीत पाएगा सर। सुजानगढ़ से भी कैसा कार्यकर्ता है वो हमारे साथ की में मौजूदगी में आए हैं वो।